बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई वेलकम यू ऑल टू द शॉ मॉडल स्कूल बॉयज़ 3 साइंस ऑनलाइन क्लास फॉर क्लास 6। अच्छा, आई होप कि आपको आप लेक्चर्स बाकायदा जो है वो रेगुलर बेसिस पे सुन रहे होंगे और आपको चैप्टर नंबर 2 की समझ आ रही होगी। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं कि वी हैव स्टार्टेड आवर चैप्टर नंबर 2 और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कंटिन्यू किया था। हमारे चैप्टर का नेम है सेंसेस एंड सेंस ऑर्गन्स। सेंसेस के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, दैट विच हेल्प अस टू रिसीव द स्टिमुलाई फॉर फ्रॉम द इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो सेंस ऑर्गन्स होते हैं और उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। फिर उसमें हम लोगों ने आई की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, आई साइट प्रॉब्लम्स को जो है वो डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने लॉन्ग साइट जिसमें नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती है एंड शॉर्ट साइट को जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था, और इसके साथ साथ हम लोगों ने रीडिंग की थी। ओके नाउ, सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक। आई का जो है वो फिनिश हो चुका है, आज हम जो है वो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन टुडेज़ टास्क। टुडेज़ टास्क आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 को ही, सेंसेस एंड सेंस ऑर्गन्स को ही कंटिन्यू करेंगे, एंड इन इट वी विल डू द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईयर। ईयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ एज वी ऑल नो दैट ईयर इज़ आवर सेंस ऑर्गन विच हेल्प अस इन हियरिंग, ये हमें हियरिंग में हेल्प आउट करता है। बट इन एट द लेवल ऑफ 6 हम लोग अब इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, इसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, और फिर अंदर ये साउंड को डिटेक्ट करने में कैसे हेल्प आउट करता है, ठीक है। एंड उसके अलावा हम सेंस ऑफ बैलेंस, ये अब न्यू चीज़ है आपके लिए, लेकिन आज आप जब मेरा लेक्चर सुनोगे ना एट द एंड तक आप लोग गौर से सुनोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। उसके अलावा हम करेंगे रीडिंग ऑफ बुक पेज 20 एंड 21। तो यू मस्ट हैव अ बुक, ठीक है। बुक अपनी साइंस की अपने पास रख लें, रफ कॉपी वेल एंड गुड, या अगर स्टिकी नोट्स है तो वो बहुत अच्छा है, और वो पेस्ट कर लें अपनी कॉपी सॉरी बुक के ऊपर, ताकि आप आज के लेक्चर के टाइम पे एक्सप्लेनेशन ऑफ ईयर को जब सुनेंगे तो आपको पूरा कि ईयर किस तरह से बना है उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपको समझ आ जाएगा। चलें, आई होप कि आप लोगों ने बुक्स जो हैं वो ओपन कर ली होंगी। नाउ लेट्स बिगिन। ईयर, अब ईयर का काम क्या है? हम बचपन से कहते हैं हमारे ईयर का काम है कि वो सुनने में हमें हेल्प आउट करता है। वी ऑल नो दैट जिन लोगों की सेंस ऑफ हेयरिंग नहीं होती वो सुन नहीं सकते, वो सर्वाइव नहीं कर सकते जो है उसमें, उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ईयर? ईयर का काम ये है कि ये करता है साउंड एनर्जी को डिटेक्ट करता है, ठीक है। ये एनर्जी को लेता है, जैसे आई का काम है वो लाइट को डिटेक्ट करता है और इमेजेस रेटिना पे बनाता है, इसी तरह जो ईयर है ये सिर्फ साउंड एनर्जी को डिटेक्ट करता है और फिर हमारा ब्रेन हमें बताता है कि हम क्या सुन रहे हैं और ये क्या चीज़ जो है वो चल रही है, वेदर दिस साउंड इज़ प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, वो हमारा ब्रेन हमें डिटेक्ट करता है, ठीक है। बट जो ईयर का फंक्शन है वो क्या है, वो साउंड एनर्जी को लेता है और उसको जो है वो ब्रेन तक पहुंचाता है। अब वो कैसे, इसके अंदर कुछ पार्ट हैं, ये तो वो पार्ट है जो हमें नज़र आ रहा है, बाहर विजिबल है। बट जिस तरह से आई में आप लोगों ने देखा था कि जो हमें पार्ट नज़र आ रहा था वो आई का हाफ से भी कम पार्ट था, इसी तरह जो मेन पार्ट है ना बहुत ज़्यादा वो अंदर है ईयर के। तो अब आज जो है वो हम अंदर का जो पूरा इसका स्ट्रक्चर है किस तरह का है वो पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जो ईयर है वो सुनने में हमें हेल्प आउट करता है, इट इज़ द सेंस ऑफ हेयरिंग एंड इट हेल्प अस टू डिटेक्ट द साउंड एनर्जी एंड देन द ब्रेन विल टेल अस वेदर दिस साउंड इज प्लेजेंट और अनप्लेजेंट और व्हाट वी आर हेयरिंग, हम क्या सुन रहे हैं, ये काम ब्रेन का है बताना। ईयर का काम है कि वो साउंड एनर्जी को डिटेक्ट करके ब्रेन तक पहुँचाए। क्लियर टू यू ऑल? नाउ पार्ट्स ऑफ ईयर, ठीक है, ईयर के पार्ट्स हैं, ठीक है। ईयर कंसिस्ट्स ऑफ 3 मेन पार्ट्स, हमारे ईयर के कितने पार्ट्स हैं, 3 मेन पार्ट्स। फर्स्ट इज आउटर ईयर, सेकंड इज मिडल ईयर एंड थर्ड इज इनर ईयर, ठीक है। कितने पार्ट्स हैं हमारे ईयर के? आवर ईयर हैज 3 मेन पार्ट्स, आउटर ईयर, प्रोनाउंस करें मेरे साथ आउटर ईयर, सेकंड इज मिडल ईयर एंड थर्ड इज इनर ईयर। आउटर मीन्स बाहर वाला जो हमें नज़र आता है, देन मिडल मीन्स दरमियाना एंड इनर मीन्स अंदरूनी, अंदर की तरफ, ठीक है। तो कितने पार्ट्स हैं हमारे ईयर के? आवर ईयर हैज़ 3 मेन पार्ट्स। चलिए अब इन सब को हम वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमें तो लगता है कि आउटर पार्ट जो है वो सिर्फ इतना सा है,
ये सिर्फ आउटर पार्ट है, लेकिन कुछ और भी पार्ट है जो आउटर ईयर के अंदर आता है, ठीक है। चले अब ज़रा देखते हैं आउटर ईयर को। द पार्ट ऑफ द ईयर वी सी इज कॉल्ड द आउटर ईयर, जो पार्ट हम लोग देख सकते हैं उसको हम आउटर ईयर कहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ये कनाल टाइप भी आता है जिसको अक्सर हम लोग साफ भी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो कंसिडर एज द आउटर ईयर पार्ट, क्योंकि ये भी तो हमें नज़र आता है ना, तो ईयर का वो पार्ट जिसको हम देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, आउटर ईयर, ठीक है। और ये फनल शेप, जो फनल नहीं होता, ये बिल्कुल उसी की तरह की शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो आउटर ईयर वो वाला पार्ट है ईयर का जो हम देखते हैं, और ये वो वाला पार्ट है जिसको हम देख सकते हैं, और ये फनल शेप, बिल्कुल फनल की तरह का शेप जो है इसका होता है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जितनी भी साउंड की जो आवाज़ की जो वेव्स है ना, वो क्या होता है, अब वेव्स क्या होती हैं, व्हाट आर द वेव्स, जब कभी भी हम बोलते हैं या जब कभी भी हम बोलते हैं, ठीक है। सो हवा में डिस्टर्बेंस कॉज होती है, और वो साउंड जो है वो ट्रैवल करता है, चल के जाता है, ठीक है, हमारे ईयर की तरफ, ठीक है। तो वो ईयर में जो आउटर ईयर है इस साउंड वेव को कलेक्ट करता है, ठीक है, क्या करता है, कलेक्ट करता है, और फोकस इज देम ऑन द ईयर ड्रम इनसाइड द हेड। और बिल्कुल देखें, जब आप लोग ईयर की सफाई करते हैं, ठीक है, व्हेन यू क्लीन द ईयर कैनाल, ठीक है, आप इस पार्ट को साफ करते हो ना, तो आपकी मम्मा आपको अक्सर ये इंस्ट्रक्ट करती है कि ज़्यादा अंदर तक मत लेकर जाओ वरना कान का पर्दा फट जाएगा। सो वो जो कान का पर्दा है, बेसिकली इट इज़ द ईयर ड्रम। तो आउटर ईयर क्या करता है, साउंड को लेता है, ठीक है, और उसको इस फनल या कैनाल की शेप से लेकर जाता है, और उसको ईयर ड्रम तक लेकर जाता है, ठीक है। सो बेसिकली ये सिर्फ इसका काम ये है, आउटर ईयर काम, कि ये साउंड को कलेक्ट करता है और उसको लेकर जाता है, और ईयर ड्रम की तरफ उसको लेकर जाता है, ठीक है। और ये साउंड की जितनी भी वेव्स हैं ये फिर ईयर ड्रम के साथ टकराती हैं, ठीक है। कितने पार्ट्स हैं हमारे ईयर के, 3 पार्ट्स हैं, आउटर, मिडल और इनर ईयर, ठीक है। अब आउटर पार्ट हमारे ईयर का वो वाला पार्ट है जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, और इसका शेप किस तरह का है, फनल शेप ऑर्गन है, ठीक है, ये पार्ट है, सॉरी। अच्छा, अब इसका काम ये है कि ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, और साउंड वेव को कहाँ पर फोकस करता है, ईयर ड्रम की तरफ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, मिडल ईयर। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड मिडल ईयर, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर ईयर इज कॉल्ड द मिडल ईयर, ओके। द मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ ईयर ड्रम, ईयर ड्रम तो मैंने आपको बताया, बिल्कुल पर्दा जो ईयर ड्रम इज कॉल्ड अ टाइनी स्ट्रक्चर, ठीक है, ड्रम लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द ईयर ड्रम, ठीक है। उसके बाद हमारे ईयर के अंदर छोटे छोटे 3 बोन्स हैं, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, इस पिक्चर को देखें आप, ये देखिए ईयर ड्रम है ना, ईयर ड्रम के बाद हमारे 3 टाइनी, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 टाइनी बोन्स हैं। इन 3 टाइनी बोन्स को कहते हैं ऑसिकल्स, इकट्ठा इनका नाम है ऑसिकल्स, और इनको अलग अलग, एक फर्स्ट बोन को कहते हैं हैमर, सेकंड को कहते हैं एनविल, और थर्ड को कहते हैं स्टिरअप, ठीक है। मिडल ईयर कितने पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, 2 पार्ट्स, एक है ईयर ड्रम, सेकंड है हैमर, एनविल, स्टिरअप, कितने पार्ट्स हैं, हैमर, एनविल, स्टिरअप, ये क्या है, 3 टाइनी बोन्स है, और इनको हम कंबाइनली क्या कहते हैं, ऑसिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, ऑसिकल्स। द मिडल ईयर कंसिस्ट्स ऑफ ईयर ड्रम एंड ऑसिकल्स, ऑसिकल्स में कौन से बोन्स आते हैं, 3 टाइनी बोन्स, द हैमर, एनविल, स्टिरअप, क्लियर टू यू ऑल। मिडल ईयर में 2 पार्ट्स आते हैं, फर्स्ट इज ईयर ड्रम एंड सेकेंड आर द ऑसिकल्स, एंड ऑसिकल्स आर द 3 टाइनी बोन्स, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि जो आउटर ईयर है वो क्या करता है कि वो साउंड वेव को जो है वो लेकर जाता है, और वो कहाँ पर लेकर आता है उस साउंड वेव को, वो ईयर ड्रम के ऊपर फोकस करता है। अब आपके घर में अगर कोई ढोल वगैरह या कोई ड्रम टाइप चीज़ हो, आप उसको बजाएं, 1 मिनट के लिए आप उसको टेप करें, तो वो 2 मिनट तक वाइब्रेट करेगी, वो मूव करती है, वो हिलती है ना, तो इसी तरह ये जो मिडल ईयर है इसमें ये जो ईयर ड्रम है ये वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब जब ये वाइब्रेशन स्टार्ट करता है ना, तो ये जब वाइब्रेशन स्टार्ट करता है तो बिल्कुल हैमर को देखिए, बिल्कुल इसके करीब लगा हुआ है, ये देखें,
जब ये ईयर ड्रम वाइब्रेशन स्टार्ट करता है ना, तो ये ईयर ड्रम की वजह से हैमर वाइब्रेशन स्टार्ट करना शुरू कर देता है। वाइब्रेशन मीन्स टू एंड फ्रो मोशन, या अगर आप सिंपल लैंग्वेज में, जो आपका मोबाइल वाइब्रेशन पे लगा होता है, ठीक है, बाबा का मोबाइल या आपका, तो वो देखिए वो अपनी जगह पर होता है लेकिन वो जो है वो सर्कल में या जो है वो मूव करता है लिटिल बिट। इसी तरह पहले ये ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा, उसके बाद हैमर, और हैमर जब वाइब्रेट होगा तो बिल्कुल उसी के नीचे एनविल पड़ा हुआ है तो वो भी वाइब्रेशन शुरू करेगा, एंड देन स्टिरअप जो है वो वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ईयर ड्रम जो है वो साउंड वेव को ले लेता है आउटर ईयर से और वो वाइब्रेशन शुरू कर देता है। अब जब ये वाइब्रेशन शुरू करता है तो ऑसिकल्स, जो थ्री टाइनी बोन्स हैं दैट आर द हैमर, एनविल एंड स्टिरअप, ये भी वाइब्रेशन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। So function of the middle ear is it will start vibration, the first eardrum will start the vibration and then it will send the vibrations the ossicles को भी ये vibrate करेगा, ठीक है, और ossicles जो हैं फिर ये vibrations अंदर की तरफ भेज देंगे, inner part की तरफ जो है भेज देंगे। eardrum starts vibrations, ठीक है, eardrum क्या करेगा, ये vibration शुरू कर देगा after receiving the sound waves from the outer ear। sound waves को जब ये ले लेगा outer ear से तो ये vibration शुरू कर देगा and making the group of ossicles to vibrate as well, जो group of ossicles है ना उसको भी vibrate करना शुरू कर देगा and the ossicles send vibration to the inner ear। ossicles किसको vibration शुरू send कर देंगे, inner ear को, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हमारे ईयर के थर्ड पार्ट पे, इनर ईयर। अब इसमें कॉकलिया, जो स्नेल शेप स्ट्रक्चर होता है वो कंसिस्ट करता है, इसमें ये है एंड इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड कॉकलिया। अब हमारा ये वाला पार्ट जो है ना, ये बैलेंस से भी रिलेटेड है। अब वो कैसे, वो मैं आगे जब टॉपिक हमारा सेंस ऑफ बैलेंस आएगा ना तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। अच्छा, और इनर ईयर क्या करेगा, इट रिसीव द साउंड वेव्स इनर ईयर से, मिडल ईयर से ले लेगा और उसको सेंड कर देगा ब्रेन तक, क्योंकि यहाँ पर ऑडिटरी नर्व्स लगे हुए हैं जो ब्रेन के साथ कनेक्ट करते हैं। जो ऑप्टिक नर्व्स थे ना, ऑप्टिक मींस आई के नर्व्स, ऑडिटरी वर्ड निकला है ऑडियो से, मींस के सुनने वाले नर्व्स, ठीक है। अब जरा ये वीडियो देख लेते हैं तो हमारा जो टॉपिक है वो आपको और क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली हाउ आवर ईयर वर्क्स, ठीक है। ठीक है, हमारा ईयर क्या करता है, ये साउंड को कलेक्ट करता है, ठीक है, और बैलेंस का भी काम ये करता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारी ईयर का क्या है, आउटर ईयर, ठीक है, आउटर। अब ये देखें, एक मिनट, ठीक है, अब ये देखें, इसमें आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है, आउटर पार्ट भी, मिडिल पार्ट भी और इनर पार्ट भी, ठीक है। पिना भी इसको बोलते हैं, बिल्कुल आउटर पार्ट को, ठीक है। और ये क्या करता है, ये गैदर करता है, इकट्ठा करता है साउंड वेव्स को और उसको लेकर जाता है ईयर ड्रम पे, ठीक है, और इसको वाइब्रेशंस में ये कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये देखें साउंड को, देखें मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ, आप ये देखें साउंड कैसे ईयर ड्रम जो है वो मूव करता है, ये देखें ये कैसे हिल रहा है, ये जैसे ही साउंड इससे टकराना शुरू करेगी ना तो ये वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सो ये स्टेशन एक ट्यूब होती है जो गले की तरफ लिंक्ड होती है, ये इसको बैलेंस रखती है, ठीक है। ये क्या है, ऑसिकल्स को ये वाइब्रेट करेगा। अब ये देखिए कैसे वाइब्रेशन कर रहा है, ये देखें तीनों टाइनी बोन्स जो हैं, ऑसिकल्स जो हैं, दैट इज अ हैमर, एनविल एंड स्टिरअप, दे विल स्टार्ट वाइब्रेशन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये मैसेजेस को ये टर्न करेगा साउंड वेव को मैसेजेस में एंड इट विल सेंड इट टू द ब्रेन, नर्व सिग्नल्स में वो कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ठीक है, अब ये देखिए जब ये मैसेज लेकर जाता है ना तो ये बिल्कुल वेव की तरह मूव करते हैं, ठीक है,
अब इधर भी जो है वो छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑडिटरी नर्व से बस ये जो है वो लेकर जाते हैं, ठीक है, और फिर ब्रेन की तरफ जब जाते हैं तो हमारा ब्रेन हमें डिटेक्ट करके बताता है कि हम क्या सुन रहे हैं। क्लियर टू ऑल? सो दैट्स अ हाउ आवर ईयर वर्क। अब थोड़ा सा जो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन टाइम में पढ़ा, थोड़ा सा जो है वो हम लोगों ने ईजी थोड़ा सा पढ़ा, इतना डिटेल में हम नहीं गए जितना इस वीडियो में बताया गया, लेकिन अब जब हम बुक रीडिंग करेंगे ना तो इसमें ये पूरा जितना भी हमने पढ़ा है ना इसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे और डिटेल में जाएंगे। क्लियर? सो अब बुक ओपन कर लें, हम लोग बुक पेज 20 और 21 की रीडिंग करते हैं। पहले टॉपिक ऑफ ईयर को जो है वो कवर करते हैं, इसमें जितनी डिटेल हमें वीडियो में पता चली वो जो है वो हम थोड़ी सी कवर करते हैं, उसके बाद हम बैलेंस की तरफ जाएंगे। चलें नाउ स्टार्ट। अवर ईयर डिटेक्ट साउंड एनर्जी, ठीक है, हमारे ईयर का क्या काम है, साउंड एनर्जी को डिटेक्ट करता है, सो दैट वी कैन हियर। दे आर ऑल्सो सेंसिटिव टू द पोजिशन एंड मूवमेंट ऑफ हेड, ठीक है, ये पोजिशन और मूवमेंट ऑफ हेड के साथ भी कंसर्न है, ठीक है, वो मैं आपको सेंस ऑफ बैलेंस में पढ़ाती हूँ कि वो कैसे। एज अ रिजल्ट एयर इज नॉट ओनली द ऑर्गन ऑफ हियरिंग, इट ऑल्सो कंट्रोल द सेंस ऑफ बैलेंस। The part of ear we see is called the outer ear. जो part हमें नज़र आता है वो उसका क्या नाम है, outer ear. Most of the ear inside the bones of skull. Skull की bones के अंदर जो है वो ये part है. Where it is protected from damage. Skull की bones के अंदर ये पड़ा हुआ है ताकि damage जो है वो ना हो सके. Because the outer ear is a funnel shape, ठीक है, किस तरह की shape है, funnel shape है उसकी, it can collect the sound waves coming from the moving objects, जितने भी objects हैं उनसे ये sound wave को collect करता है, ठीक है, it focuses them on the eardrum inside the head, ठीक है, जो outer ear है वो उन sound waves को कहाँ पर focus करता है, eardrum की तरफ। The eardrum then vibrate, ठीक है, eardrum क्या करेगा, vibration शुरू करेगा and making a group of these tiny bones called ossicles, ठीक है, उनको वाइब्रेशन जो है वो स्टार्ट करवा देगा, दैट आर अट्रैक्टेड टू एट विल वाइब्रेट एज वेल, ठीक है, जब ये ऑसिकल्स एयर ड्रम वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेशन कब स्टार्ट करेगा, जब साउंड वेव्स इसके साथ टकराती हैं, ठीक है, तो एयर ड्रम विल स्टार्ट वाइब्रेशन, ठीक है, एंड जब ये वाइब्रेशन शुरू करेगा तो ऑसिकल्स भी वाइब्रेट करेंगे। क्लियर टू ऑल? द थ्री 21, the three ossicles act as lever, ठीक है, ये lever की तरह काम करते हैं and magnify the force of vibration moving the liquid inside the snail shaped inner ear, ठीक है, ये जो tiny bones है ना ये बिल्कुल lever की तरह एक दूसरे के ऊपर जो है पड़े हुए हैं and ये क्या करेंगे, ये focus करेंगे vibrations को moving the liquid inside the, ये बिल्कुल liquid cochlea के अंदर जो है वो पड़ा हुआ है उस cochlea की तरफ जो है वो उसको लेकर जाएंगे, स्नेल शेप्ड स्ट्रक्चर है कॉकलिया का, वेट लेट मी शो इट टू यू, ये देखें यहाँ पर, ठीक है, साउंड वेव्स जो है वो ईयर मिडल ईयर से होती हुई अब यहाँ पर जो है ये साउंड वेव्स जो है वो मिडल ईयर से कॉकलिया की तरफ आएगी, कॉकलिया के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट है और ये स्नेल शेप का की तरह है, ठीक है, इसको हम इनर ईयर का पार्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, अब जब वाइब्रेशंस कॉकलिया के अंदर जाएंगी ना तो कॉकलिया के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, बालों की तरह छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे नोज़ के अंदर छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट है, ठीक है, तो जब ये वाइब्रेशंस कॉकलिया के अंदर जाएंगे ना तो यहाँ पर ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये मूवमेंट शो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, अब जब ये मूवमेंट स्टार्ट करेंगे ना तो जो है ये जो है वो नर्व्स जो हैं वो उनको भी वाइब्रेट करेंगे। क्लियर टू ऑल? तो चले जाए इसको पहले क्रिएट कर देंगे। द ऑसिकल्स एक्ट एज लीवर्स एंड मैग्निफाई द फोर्स ऑफ वाइब्रेशंस मूविंग द लिक्विड इनसाइड द इनर ईयर स्नेल शेप इनर ईयर और कॉकलिया, ठीक है, ये कॉकलिया में जो है वो इनर ईयर को लेकर जाएंगे। द वाइब्रेशंस इनसाइड द कॉकलिया मेक द टाइनी हेयर्स मूव एज दीज टाइनी these hairs are attracted to nerves every time they are vibrated. ये क्या करेंगे, ये vibration करेंगे. Messages are sent to the brain. Messages कहाँ पर भेजेगा ये brain की तरफ messages भेजेगा. These
messages enable us to hear and understood stand sound including speech. अब ये messages जब brain की तरफ लेकर जाएंगे तो ये हमें बताएंगे कि हम क्या सुन रहे हैं, ठीक है, हमारा brain detect करके हमें बताएगा. The ear and brain working together can separate sounds. The ear and brain working together can separate sounds depending on low, how loud they are or how हाई और लो. ठीक है, वो हमें बता देता है हमारा ब्रेन कि साउंड हाई है या लो है या किस तरह का है. हैविंग टू ईयर्स, अब अल्लाह ताला ने हमें दो ईयर्स दिए हैं ना, ऑन ईच साइड ऑफ द हेड हेल्प अस टू टेल द डायरेक्शन ऑफ द साउंड कमिंग फ्रॉम. ठीक है, ये हमें बता देता है कि साउंड कहाँ से आ रहा है. ठीक है, एज इट विल बी स्लाइटली लाउडर इन वन ईयर देन अदर अनलेस द साउंड इज स्ट्रेट अहेड इमीडिएटली बिहाइंड अस. ठीक है, ये हमें बता देता है कि किस डायरेक्शन से जो है वो साउंड आ रहा है. क्लियर टू ऑल, समझ आ गई आपको. अब सेंस ऑफ बैलेंस की तरफ जाते हैं. देखें, अक्सर होता है ना कि हम लोग गोल गोल मूव करते हैं, ठीक है, और जब थोड़ी देर के लिए हम जो है वो गोल गोल मूव करते हैं ना, तो उससे थोड़े टाइम बाद हमारा सर चकराना शुरू कर देता है. वो क्यों? क्योंकि हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल्स में लिक्विड प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो है ये हमारे हेयरिंग से कंसर्न, बैलेंस से कंसर्न है, ये हमारी बॉडी को बैलेंस रखता है. अब वो किस तरह से, ज़रा इस वीडियो को देखें तो आपको समझ आएगी. ठीक है, अब इसमें आपको हमें डिटेल बताएगा. ठीक है, अब हमारा ईयर कैसे बैलेंसिंग में हमें हेल्प करता है. अब इस बॉय को देखें, इसके साथ क्या होता है, आप ज़रा देखिए. हम हमें अब यकीन नहीं आ रहा ना, वी डोंट, आपके लिए चीज़ नहीं है कि ईयर्स का हमारे बैलेंस के साथ क्या काम है. तो दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू फॉर यू. तो अब जब आप ये पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ, इस वीडियो को यू विल वॉच इट, आपको समझ आ जाएगी कि कैसे, हाउ इज़ इट कंसर्न विद आर बैलेंसिंग. आप देखें, अब उसको वो कहते हैं, वो फिर आता है, लेकिन अब ये देखिए उसके कान हटा दिए हैं. ठीक है, अब नाउ वॉच, अब ये देखें वो गिर रहा है. ठीक है, अब उसको यकीन पहले नहीं आ रहा था, ही वॉज नॉट बिलीविंग के सेंस ऑफ हियरिंग हमारे बैलेंस के साथ कैसे है. तो जब उसके कान जो है वो हट गए हैं थ्रू अ मैजिक, तो अब वो देखिए वो बैलेंस नहीं कर पा रहा, वो खड़ा नहीं हो पा रहा, वो गिर रहा है. अब वो बताता है कि किस तरह से, देखिए अब हमारे ईयर्स का बैलेंस के साथ क्या काम है. अब ये देखिए ईयर को देखिए हम जरा, और इनर ईयर. ठीक है, थ्री पार्ट्स हैं हमारे ईयर के, आउटर, मिडल और इनर. अब इनर ईयर में ये कंसर्न आता है, देखिए. ठीक है, अभी मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, ज़रा आप दोबारा देखिए ताकि आपको समझ आ जाए. वेट, इधर से देखिए दोबारा आप. ठीक है, अब इनर ईयर में देखें. ठीक है, हमारा जो इनर ईयर है इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ आइज एंड मसल्स. ठीक है, थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स इसमें प्रेजेंट है. ठीक है, पोस्टीरियर, अच्छा ठीक है, इंटीरियर इनकी पोजीशंस हैं, लेकिन बस आप लोग के लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट है, थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स, इनके लैटरल, पोस्टीरियर, और ये नेम्स इस वजह से दिए गए हैं अबाउट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन इन आवर ईयर. ठीक है, ठीक है, ये डिफरेंट पोजीशंस में पड़े हुए हैं. ठीक है, इनके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है. ठीक है, और हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कॉकलिया के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर से, इसी तरह सीलियाज इसके अंदर भी प्रेजेंट है. और सीलियाज आप देखें, आपके नोज के अंदर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बिल्कुल इसी की तरह. ठीक है, अब जब ये लिक्विड मूव करते हैं तो सीलिया भी मूव करते हैं. ठीक है, ठीक है, अब ये ब्रेन तक जब ये मूव करते हैं तो ब्रेन की तरफ मैसेज लेकर जाते हैं. ठीक है,
अब इसका हर एक पार्ट का कैनाल्स में जो इंटीरियर पोस्ट जो जितनी भी हर एक जो कैनाल है ना सेमी सर्कुलर कैनाल उसका अलग काम है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये अब जिस मोशन में हम मूव करते हैं ना, ये एक सेमी सर्कुलर कैनाल एक काम के लिए है, दूसरा दूसरे के लिए, तो वो हमारा ब्रेन हमें बताता है, ठीक है। अब जब हम अपना हेड साइड टू साइड भी मूव करते हैं ना, तो ये हम ब्रेन तक लेकर जाते हैं मैसेज। अब देखें, आप जब गोल गोल घूमते हैं, अब जब आप रुक गए हैं, ठीक है, अब आप क्यों बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाए जब आप गोल गोल घूमते हैं, और उसके बाद आप लोग जो एकदम से आपका सर चकराने लगता है, वो क्यों, ठीक है। अब ये फ्लूइड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ये देखिए वो भी मूवमेंट करना शुरू कर देता है, ठीक है। बिल्कुल जिस तरह आप मूव करें उतना ये मूव कर रहा है। अब ये देखिए जब हम लोग रुक जाते हैं, लेकिन वो लिक्विड फिर भी मोशन में होता है, ठीक है। अब वो लिक्विड को तो स्टॉप करने में टाइम लगेगा ना, तो उसके बाद आपका सर चकराने लगता है, ठीक है। तो जब वो हम गोल गोल घूमने के बाद एकदम से स्टॉप हो जाते, फिर भी हमारा सर चकरा रहा होता है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम गोल गोल घूम रहे हैं, वो क्यों, क्योंकि सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो फॉल्स मोशन मैसेज जो है वो ब्रेन की तरफ लेकर जाते हैं, और हमें ऐसा फील होता है कि हम मूव करें, लेकिन थोड़े टाइम बाद जो है वो हम सेटल डाउन, ये लिक्विड सेटल डाउन हो जाता है और हम स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसकी रीडिंग करते हैं तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। पेज 21 टॉपिक सेंस ऑफ बैलेंस को पढ़ते हैं, ठीक है। और ईयर ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ईयर का पार्ट, इनर ईयर का पार्ट, सेमी सर्कुलर कैनाल। द थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स इन द ईयर आर नॉट कंसर्न विद हेयरिंग, ये हेयरिंग से कंसर्न नहीं है, ठीक है। ऑल दो दे आर प्रेजेंट इन द इनर ईयर, इंस्टेड दे हेल्प अस टू बैलेंस, ठीक है, ये बैलेंस में हमें हेल्प करते हैं। अब बैलेंस का समझ आ गया है कि कैसे हम जो है वो बैलेंस रखते हैं, ठीक है। दे आर सेट एट राइट एंगल टू ईच अदर, बिल्कुल राइट एंगल पे ये पड़े होते हैं, सो दैट नो मैटर हाउ द हेड इज़ मूव अप डाउन लेफ्ट और राइट, द फ्लूइड इन द कैनाल विल ऑल्सो मूव। जब हम मूव करते हैं तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर जो लिक्विड है वो भी मूव करेगा। द प्रेशर ऑफ दिस फ्लूइड स्टिमुलेट्स द सेंसिटिव हेयर्स विद इन द कैनाल्स टू सेंड मैसेज टू द ब्रेन, जब ये मूव करेगा तो इसके अंदर लिक्विड है वो मूव करेगा, और उसके अंदर टाइनी हेयर्स है उनको वो मूव कराएगा, और वो मैसेज ब्रेन की तरफ लेकर जाएगा, ठीक है। इफ यू स्पिन रैप rapidly and then stop, अगर आप rapidly move करते हो और एकदम से आप रुक जाते हो ना, तो the fluid will carry on moving making you feel giddy, ठीक है। आप लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि आपका सर जो है वो चकरा रहा है। you cannot stop this suddenly jerking your head in the opposite direction, ठीक है। आप अगर एक दफ़ा अपने सर को सडनली जो है वो जर्क करते हो, झटका देते हो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो आप जो है ये बंद हो सकता है, लेकिन इट टेक टाइम, ठीक है। टू सैक्स जॉइन द कॉकलिया टू सेमी सर्कुलर कैनाल एंड एक्ट एज अ ग्रेविटी डिटेक्टर, ठीक है। ये कॉकलिया को सेमी सर्कुलर कैनाल्स के साथ जो है वो ज्वाइन भी कर देता है, ताकि हम ग्रेविटी को भी डिटेक्ट कर सकें, ठीक है। द पावर विद विच अर्थ अट्रैक्ट एवरीथिंग टूवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। दे कंटेन ग्रेन्स of chalk which move about as we tilt, ठीक है, जब हम turn करते हैं, trigger sensitive hairs, ठीक है, continuous up and down movement overstimulate the brain and causing what is called seasickness, ठीक है। अगर हम बहुत ज़्यादा जो है वो up and down movements करते हैं ना, तो उससे हमारी जो एक disease कॉज होती है जिसको कहते हैं seasickness, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों के फॉल्टी सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सेमी सर्कुलर कैनाल्स में मसला होता है, तो वो राइड नहीं कर सकते बाईसाइकिल को भी, जस्ट बिकॉज के वो बैलेंस नहीं रख पाते, ठीक है। अच्छा, अब आज का होमवर्क देख लेते हैं। साइंस डू द रीडिंग ऑफ बुक पेज 20 and 21 की आपने रीडिंग करनी है। थैंक यू सो मच फॉर हेयरिंग मी। अगर आपको कोई मसला है, इस वीडियो को बार बार देखें एंड डू द रीडिंग ऑफ पेज 20 and 21, तो से आपको जो है वो समझ आ जाएगी। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू मी।